कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कौर, मैं आपके लाइव नया वीडियो ऑन माय चैनल एन के कॉमर्स अकेडमी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे अपने मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर के ऊपर, जो कि मेरा मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पहले स्टार्ट हो चुका है, तो उसी पॉइंट आउट से मैं आगे कंटिन्यू आपको आज करूँगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मटेरियल कॉस्ट के कुछ क्वेश्चन दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, उन्हें के बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप वो होमवर्क आपने कर लिया होगा। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए उसी चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नितिन कुमार, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन कर रखा है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी एनुअल डिमांड जो है वो 2000 यूनिट्स की बने और आपका यूनिट प्राइस गिवन है 20 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 20 रुपये, स्टोरेज कॉस्ट गिवन है 2%, इंटरेस्ट रेट गिवन है 8%, और लीड टाइम जो दिया है वो हाफ मंथ दिया है। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ द मटेरियल निकालना। लीड टाइम मतलब मैक्सिमम समय, कि मैक्सिमम कितना समय लगता है आपको माल मंगवाने के लिए, तो आधा मंथ लगता है, 0.5 मंथ। क्लियर हो गया। आगे इस क्वेश्चन में आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है और इन टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो पता, आप कैसे निकालते हैं, रूट 2 into A into O divided by C। ए कैसे लेते हैं, ए होती है एनुअल डिमांड। कैसे निकालते हैं, एनुअल डिमांड दे रखी है 2000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 20 रुपये दे रखा है आपको। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। मैंने बताया था कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और इंटरेस्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। अगर सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट दिया एग्जाम में तो सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट दिया तो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट ले लेंगे, अगर दोनों दिए तो दोनों को प्लस कर लेंगे। पर परसेंटेज में दे रखी, कल परसेंटेज में नहीं था, कल डायरेक्ट था। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट 25 रुपये पर कल डायरेक्ट था, पर आज परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज में ही लेना होगा। अगर परसेंटेज में गिवन होता है तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पे, कि एक यूनिट कितने की खरीदी उस प्राइस पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे नहीं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 20 रुपये ही है और कॉस्ट प्राइस जो है वो भी 20 रुपये है। तो आप लोग यही मत समझ लेना कि मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का लिया है, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का नहीं निकाला 2% 8%, मैंने यूनिट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का निकाला है 20 रुपये का। तो 2% 20 रुपये का आ जाएगा और 8% भी 20 रुपये का आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई 2 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ईयूक्यू निकालेंगे। रूट 2 into A into O upon C, 2 into 2000 into 20 upon 2, 200 यूनिट आपकी क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकाला, इसमें सारे कॉस्ट ऐड कर लेंगे, परचेज प्राइस की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तो इन सबको टोटल कर देंगे तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल जाएगी। क्लियर हुआ। देखो कैसे, परचेज प्राइस कितना है, 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट खरीदी कितने रुपये की, 20 रुपये पर यूनिट की, तो आपके 40,000 कॉस्ट हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एनुअल डिमांड जितनी भी करते हो उसे ईओक्यू से डिवाइड कर दो तो आपकी ऑर्डर आ जाएंगे, कितने ऑर्डर करोगे। एक ईओक्यू मतलब हर बार कितना ऑर्डर करोगे, 200 यूनिट, साल में कितने यूनिट मंगानी, 2000, तो कितने ऑर्डर में आपकी 2000 यूनिट आएंगे, तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हर एक ऑर्डर देने में कितने रुपये लगते हैं, 20 रुपये, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका आंसर निकल जाएगा 200 रुपये ही। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ करके, इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ईओक्यू डिवाइड बाय 2, ईओक्यू 200 यूनिट है जैसे कि हमने निकाला था, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ₹2 कर देंगे 200, दोनों ही 200 200 आ गए और ये 40,000 आ गए, तीनों को प्लस कर लेंगे, आपके टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकल जाएगा। परचेज कॉस्ट 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 200, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकल गया आपके 40,400। फिर मैंने आपको एक नया क्वेश्चन कराया है, देखिए, एक कंपनी है एमएल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, इस कंपनी को 1000 यूनिट चाहिए ऑफ मटेरियल सिग्मा ईएक्स के नाम से, 1000 यूनिट ऑफ मटेरियल चाहिए ईएक्स के नाम से इन अ वीक, एक हफ्ते में 1000 यूनिट चाहिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट को मंगाने में 30 रुपये लगते हैं, आगे मंगाने मतलब एक यूनिट 30 रुपये का पड़ता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने भी ऑर्डर मैं देता हूँ हर एक ऑर्डर पर मुझे 150 रुपये देने पड़ते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट जो लग रही है मेरी 0.06 पर वीक, हफ्ते में जितनी बार मैं आऊँगा मेरे को कैरिंग कॉस्ट 0.06 ही देनी पड़ेगी, यानी कि हफ्ते, एक हफ्ते मंगाऊंगा तो 0.06, सेकंड हफ्ते बनाऊंगा फिर 0.06, थर्ड हफ्ते मंगाऊंगा फिर 0.06 देने पड़ेगी, यानी हफ्ते ही कॉस्ट दे रखी है आपको कैरिंग कॉस्ट। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 1 to 3 weeks, 1 to 3 weeks मतलब एक हफ्ते या 3 हफ्ते लग जाते हैं रीऑर्डर देने में, तो एक हफ्ते मतलब मिनिमम पीरियड और 3 हफ्ते मतलब मैक्सिमम पीरियड। वीकली यूसेज, वीक में कितना यूज़ करते हो आप यूनिट्स का, कभी कभार 750 यूनिट और कभी कभार 1250 तक चला जाता है, तो मिनिमम आप 750 यूनिट यूज़ करते हो, कंजम्पशन करते हो, और मैक्सिमम आप 1250 कंजम्पशन करते हो।
इसके भाव पे आपको ई ओ क्यू निकालना है, आर ओ एल निकालना है, मिनिमम स्टॉक निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकाल लूँ, ई ओ क्यू, ई ओ क्यू कैसे निकालते हैं, टू इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी। ये क्या है, एनुअल डिमांड है। कैसे निकाला, 1000 यूनिट हफ्ते में एनुअल डिमांड लिखा है, तो साल की कितनी होगी, साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, मल्टीप्लाई करते हैं, 52000 यूनिट चाहिए आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपये दे रखा है पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 0.06 पर वीक, हफ्ते में 0.06 लेना है, साल में कितने हफ्ते मंगाना होगा माल, 52 हफ्ते मंगाना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 3.12। ई ओ क्यू में लगा दिया 2 × 50 × 150 × 3.12 2236 यूनिट्स आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे अपना रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, रीऑर्डर निकालते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर रहे हो, मैक्सिमम आप कर रहे हो 1250 यूनिट, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 3 वीक। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल लो, सॉरी ये यूनिट्स में आएगा, एवरेज कंजम्पशन, अब सॉरी यार दिखाई नहीं दे तो सॉरी, रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला, अब एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज पीरियड। 750 यूनिट आपका रीऑर्डर लेवल आ गया। एवरेज कंजम्पशन आपको पता है नहीं पता, मिनिमम पता है और मैक्सिमम पता है, मिनिमम और मैक्सिमम पता है तो एवरेज निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन, दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड कर दो 2 से। मिनिमम कंजम्पशन 750 है, मैक्सिमम कंजम्पशन 1250 है, डिवाइड बाय 2, यह आ गया 1000 यूनिट्स। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 1000 यूनिट्स। सिम एवरेज पीरियड नहीं दे रखा मेरे को, मिनिमम पीरियड दिया है, मेरे को मैक्सिमम दिया है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से, 1 + 3 / 2 तो 2 आ जाएगा। माइनस कर देंगे 750 - 2000 यूनिट्स, यह आपका 1750 यूनिट आ जाएगा आंसर। मिनिमम स्टॉक लेवल भी निकल गया। नेक्स्ट लास्ट में क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये तो आपको निकाल ही लोगे, या भाई निकाल लीजिए भी, सर आप ही निकाल दो हमारे हाथ थक जाएंगे। चलो भाई निकाल देते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल जी, ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल क्या देखा आपको, 750 यूनिट अभी निकाला था ना मैंने पीछे, 750 यूनिट। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका 2236 यूनिट आया था। माइनस मिनिमम कंजम्पशन आपका 750 यूनिट है, और पीरियड उसका 1 वीक है, 1 वीक। 750 + 2236 - 750 कैलकुलेट करो, अगर आगे कितना आ जाएगा, 750 + 2236 - 750 52-36 यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये वाले दोनों जो भी मैंने आपको कराए हैं।
ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, होमवर्क के लिए, होमवर्क पे ट्राई करना और कंप्लीट करना होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका, एक कंपनी है वो आपके मैन्युफैक्चर करती है 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, इन अ मंथ, एक महीने में। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट दे रखी है, वो दे रखी है आपको 100 रुपये। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ₹10 पर केजी। री ऑर्डर पीरियड दे रखा आपको 1 week एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन आपको दे रखा है 275 यूनिट। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 20% पर एनम। नेक्स्ट रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा आपको, कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, पहला रीऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा रीऑर्डर लेवल, तीसरा मैक्सिमम लेवल, चौथा मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज लेवल। इसका आंसर आएगा 1196 kg। रीऑर्डर लेवल का आंसर आएगा 3600 kg। ये आंसर दे रहा हूँ आपका, आना चाहिए 3600 kg। यहाँ पे आएगा 4396 kg। मिनिमम लेवल पे आएगा 1950 kg और ये आएगा 3173 kg। ठीक है, आपका क्वेश्चन होमवर्क के कंप्लीट करके रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक और क्वेश्चन देखता हूँ, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है आपका कि एक कंपनी है जिसकी मंथली डिमांड है ऑफ प्रोडक्ट जेड, एक प्रोडक्ट है जेड की, उसकी मंथली डिमांड है 750 यूनिट्स। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट जो है वो 500 रुपये है। री ऑर्डर पीरियड जो है वो 5 to 8 weeks है। कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपके 60 रुपये है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम जो है वो 10% है। नॉर्मल यूसेज जो है आपकी 500 यूनिट्स पर वीक है। मिनिमम यूसेज जो है आपका वो है 250 यूनिट्स पर वीक। मैक्सिमम यूसेज जो है आपका
वो आपका 750 यूनिट्स पर वीक है। रिक्वायर्ड क्या है आपको? रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? आंसर भी दे रहा हूँ मैं, 3873 यूनिट्स, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 6000 यूनिट्स। थर्ड ये भी आपको निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल है 2750 यूनिट्स। फोर्थ मैक्सिमम स्टॉक लेवल, वो कितना है आपका? वो है आपका 8623 यूनिट्स। पांचवा एवरेज स्टॉक लेवल कितना है? वो है आपका 5687 यूनिट्स। आपको ये चीज़ें निकालनी है, इनके आंसर ये दे रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को जरूर करें ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। नेक्स्ट क्लास में आगे हम बढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल, और दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी घर पर बैठ के पढ़ सकें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।